अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम आई वेलकम द स्टूडेंट्स। जो लेक्चर नंबर 4 हम आपसे डिलीवर करना चाहते हैं, ये आपको रहेगा पावर सीरीज सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में। पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हम कर रहे हैं, तो ये हमने इंट्रोड्यूस किया था पहले। लेकिन इसमें हम एक ख़ास बात, जिसमें आपको कुछ MCQs भी आते हैं इस पावर सीरीज सॉल्यूशन में, हाउ टू फाइंड आउट द ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। एक्चुअली जब हम पावर सीरीज सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालते हैं, उस वक्त ये ज़रूरी है कि हमें देखना हो क्या है, क्या पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें निकालना है कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। एक्चुअली ऑर्डिनरी पॉइंट या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट जो है उसके नेबरहुड में आप ऑलवेज निकाल सकते हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन। याद रखिएगा, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट जो है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, उसमें हमें क्या इसको कहते हैं, पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पॉसिबल होता है। हाँ, तो दूसरी बात यह है कि सिंगुलरिटी आपने पढ़ी है, कम्प्लेक्स एनालिसिस में भी आप सिंगुलरिटी पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली वहाँ भी आप कहते हैं जहाँ डिफरेंशियल कोई फंक्शन डिफरेंशियबल या एनालिटिक नहीं है, तो वहाँ पर हम सिंगुलरिटी हम कहते हैं। आपने रिमूवेबल सिंगुलरिटी किए है, हाउ टू रिमूव द सिंगुलरिटीज़, जहाँ पॉसिबल है सिंगुलरिटीज़ को रिमूव करना, तो वो भी आपने किया है। तो इस केस में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है दिस डिफरेंशियल इक्वेशन में, जब हमें निकालना होता है क्या इसका नाम है पावर सीरीज सॉल्यूशन, या ये सिंगुलर पॉइंट क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं आपको कुछ एप्लीकेशन भी शेयर करूंगा आपके साथ, लेकिन इससे पहले मैं डिफाइन करूंगा एनालिटिक फंक्शन। वही डिफिनेशन जो आप एनालिटिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में लगाते हैं, किसी फंक्शन में लगाते हैं, वही हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए भी वो डिफिनेशन लगाएंगे। तब भी मैं आपको जस्ट रिव्यू करूँगा व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन। कम विद मी, आई विल फर्स्ट डिफाइन एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन ये जस्ट डिफरेंशियबल फंक्शन होता है। इसका डिफिनेशन मैं इस तरह देता हूं, ए फंक्शन फंक्शन एफएक्स इज सेड टू बी एनालिटिक एट पॉइंट से एक्स इज इक्वल टू ए, मैंने यहां पे पॉइंट लिया, इज सेड टू बी एनालिटिक एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एफ ऑफ एक्स इज सिंगल वैल्यूड इन सम नेबरहुड नेबरहुड को हम इस तरह भी लिखते हैं, या एनबीडी इन सम नेबरहुड एनबीडी ऑफ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए एंड इज डिफरेंशियबल डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये वही डिफिनेशन है जो आपने मतलब अदर केसेस में लिया है, चाहे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आप जाते हैं, ये एनालिटिक हम डिफाइन करते हैं, ये एक्चुअली डिफरेंशियबल होता है एट एक्स इज इक्वल टू ए। एंड यहाँ पे हमें देखा सिंगल वैल्यूड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, आपको पता ही है ये होना चाहिए सिंगल वैल्यूड इन सम नेबरहुड ऑफ द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। फिर हम क्या निकाल सकते हैं इसका, ये जो है एनालिटिक हमने डिफाइन किया, ये एनालिटिक हम यूज़ करेंगे। इसमें भी ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, रेगुलर पॉइंट क्या, सॉरी सिंगुलर पॉइंट कहाँ से हमें मिलता है, और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट जो है इसमें हम यूज़ करेंगे ये एनालिटिक डिफिनेशन। ये आप याद रखिएगा, मेन चीज इसमें है डिफरेंशियबिलिटी हम टेस्ट करते हैं कहाँ पे, जब हम जाते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट निकालने के लिए। एनालिटिक फंक्शन की डिफिनेशन यही है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एनालिटिक एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एफ एक्स इज सिंगल वैल्यूड इन सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए एंड इज डिफरेंशियबल एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, देन वी से द फंक्शन इज एनालिटिक एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। ये आपने किया है। चलिए अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन के बेस पे, इस डिफिनेशन के बेस पे मैं आपको बताता हूँ ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या।
क्या होता है, कैसे हम करेंगे, ये मैं आपको थोड़ा एलाबरेट करूंगा। जस्ट मैं इसको रॉप करता हूं। हाँ, हम अब डिफाइन करते हैं सिंगुलरिटी का, सॉरी एनालिटिक फंक्शन का डिफिनेशन आपको पता चला। मेन चीज इसमें डिफरेंशिएबिलिटी है, इट शुड बी सिंगल वैल्यूड इन सम नेबरहुड ऑफ द पॉइंट वायर इट इज़ एनालिटिक। तो अब हम ऑर्डिनरी पॉइंट डिफाइन, देखो हम कैसे आते हैं, हम एक सेकंड ऑर्डर ही हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो हमें स्पेशल फंक्शन से डील करना है यहाँ पे, स्पेशल फंक्शन जो मैंने इनिशियल लेक्चर्स में बताया आपको, ये इस वक्त लेक्चर नंबर 4th है, फर्स्ट में मैंने बताया, सेकंड में, थर्ड में मैंने बताया कि हमें स्पेशल फंक्शन जिनके साथ डील करना है, इट इज़ द लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके लिए तो सेकंड ऑर्डर ही है। यहाँ हम कंसिडर करेंगे डिफिनेशन में, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन मैं यहां पे लेता हूं वेरिएबल कोएफिशिएंट ए नॉट एक्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, इट इज विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, मीन्स ए नॉट एक्स इसमें वेरिएबल है, ए वन एक्स है वेरिएबल कोएफिशिएंट, ए टू एक्स इसका वेरिएबल कोएफिशिएंट हमने लिए। हम कोशिश करेंगे अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो हमें डिफिनेशन आसान बनेंगे, जो हम आगे भी यूज़ करेंगे, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशन में या किसी और में भी, बेटर इज टू राइट इट इन दिस फॉर्म। दिस इम्प्लाइज आई कैन राइट इट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स बाई ए नॉट एक्स। वैसे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम ऑर्डिनरी पॉइंट डिफाइन करते हैं, ऑल दोज पॉइंट्स वायर ए नॉट एक्स इज नॉट जीरो, किसी डिफिनेशन किसी बुक में आप ये भी देखेंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू एक्स बाई ए नॉट एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जो मेरे पास ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है, ये वाला जिसे मैंने डिवाइड किया ए टू एक्स, ये और ये, मैं इसका नाम देता हूँ पी एक्स से और इसका नाम देता हूँ क्यू ऑफ एक्स से, ये मैं नाम रखता हूँ इसको। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये बनेगा, दिस इम्प्लाइज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस दिस इज क्यू एक्स क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको हम ट्रीट करेंगे अब, दिस इज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर सेकेंड विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। इसी को हम लेंगे आगे वाले जो हम लेक्चर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, उस वक्त हम जो हम निकालेंगे हाउ टू फाइंड आउट ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, देन टेस्ट द टाइप ऑफ सिंगुलरिटी, इज इट अ रेगुलर सिंगुलरिटी और इज इट अ इरेगुलर सिंगुलरिटी। ओके, तो इन ऑल द केसेस वी विल ट्राई टू राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस फॉर्म डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे कुछ होगा वेरिएबल कोएफिशिएंट उसे डिवाइड करते हैं, पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। मैंने यहाँ पे लिखा ट्रीट दिस नाउ एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर सेकंड विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। तो अदरवाइज तो अदर बुक्स में भी आप देखेंगे यहाँ से ही हम ले सकते हैं, यानी कि ऑल दोज पॉइंट्स वायर ए नॉट एक्स इज नॉट जीरो
उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट, फिर हम उससे लेते हैं ये सिंगुलर पॉइंट वगैरह। लेकिन यहाँ पे हम एनालिटिक, जो मैंने डिफिनेशन आपको दिया है एनालिटिक फॉर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वही डिटरमिन करने के लिए ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो आपने देखा कि ये कहाँ से आया, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन आप इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर हम कहते हैं ये पी एक्स और क्यू एक्स जो है, जिस पॉइंट पे ये एनालिटिक है वही है ऑर्डिनरी पॉइंट, अगर ये एनालिटिक नहीं है किसी पॉइंट पे वो कहलाता है सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, देखिए आप कैसे हम डिफाइन करेंगे इसका ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट, वो हम देखें। लुक हियर, अब हमने यही कंसिडर किया ये डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे इस फॉर्म में डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई, तो मैंने आपको बताया कि ये किस तरह इस फॉर्म में लिखते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। अब हम यहाँ पे पॉइंट डिफाइन करेंगे व्हाट इज द ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट। देखो कैसे डिफिनेशन देखे, द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इज said to be an ordinary point of differential equation number first, जिसका नाम मैंने रखा ordinary point of differential equation first, if p of x and q of x in fact both, एक ही नहीं both are analytic at x is equal to a, अगर ये analytic है x is equal to a पे, कौन px and qx बोथ एक ही नहीं, अगर एक पी एक्स एनालिटिक बनता है लेकिन क्यू एक्स एनालिटिक नहीं है किसी पॉइंट पे, वो हम कहते हैं ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, ये सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स इनफैक्ट बोथ और एनालिटिक मैंने लिया पे और एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू ए, एनालिटिक आपको समझ आया, एनालिटिक मीन इन अदर वर्ड दिस आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, अदरवाइज अगर ये इस पे एनालिटिक नहीं है, अदरवाइज अगर एनालिटिक नहीं है, द पॉइंट्स विल बी कॉल्ड द पॉइंट विल बी कॉल्ड एज सिंगुलर पॉइंट, इट इज अ सिंगुलरिटी देन सिंगुलर पॉइंट, दैट इज इफ P of x, comma Q of x are not analytic at x is equal to a, अगर analytic नहीं है x is equal to a पे, पहले अगर define नहीं है function at x is equal to a पे, then x is equal to a is singular point. Clear? Very simple. Write the given differential equation in this form quickly. Then check out where it is analytic and where it is not analytic. The where it is analytic, all those points where it is analytic will be called the ordinary point. Wahi hoga iska ordinary point. Jahan analytic hai, ordinary point of the differential equation. Jahan analytic nahi hai, wo kehlayega iska singular point. सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये सिंगुलर पॉइंट जो है सिंगुलरिटी आप कहे या सिंगुलर पॉइंट, इसके हमारे पास दो टाइप्स होता है, रेगुलर सिंगुलरिटी एंड इरेगुलर सिंगुलरिटी, वो हम डिफाइन करेंगे इसी बेस पे एक्स इज इक्वल टू ए को कब कहते हैं हम, ये पहला देखना है क्या ये सिंगुलर पॉइंट है, फिर इसका टाइप हमें देखना है, टाइप इसका दरियाफत करना है क्या ये रेगुलर सिंगुलरिटी है या इरेगुलर सिंगुलरिटी। हाँ, जो पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट है उसके नेबरहुड में हम पावर सीरीज सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल सकते हैं, जो इवन रेगुलर सिंगुलरिटी है उसके
नेबरहुड में भी, लेकिन रेगुलर सिंगुलरिटी जो है वहाँ उसके नेबरहुड में इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन नहीं होगा। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अब हम कैसे करेंगे टेस्ट टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी जो है। सिंगुलरिटी के दो टाइप्स है, रेगुलर एंड इरेगुलर सिंगुलरिटी, कैसे हम देखेंगे। जस्ट लुक, हाँ दोबारा यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले जब आपको आप पता चला कि कोई पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए जो है, एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट जो है, एक्स इज इक्वल टू वन है, एक्स इज इक्वल टू टू है, जिसपे हमारे पास पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स सीज़ टू बी डिफरेंशियबल या सीज़ टू बी दिस एनालिटिक, और इट इज़ नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए या एक्स इज इक्वल टू वन या टू वट एवर इट इज़। तो हमने वहाँ पर कहा कि भाई ये सिंगुलर पॉइंट होगा, ये सिंगुलरिटी पॉइंट है। लेकिन सिंगुलरिटी का वेरी इंपॉर्टेंट दो चीज़ है, सिंगुलर पॉइंट में हमें दो चीज़ होते हैं, रेगुलर सिंगुलरिटी एंड इरेगुलर सिंगुलरिटी। ये कैसे हम देखते हैं रेगुलर सिंगुलरिटी, देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि अगर आपके पास पॉइंट ए है, एक्स इज इक्वल टू ए है, क्या है ये सिंगुलर पॉइंट है। नाउ पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज रेगुलर सिंगुलरिटी, रेगुलर सिंगुलरिटी ये सिंगुलरिटी का टेस्ट होता है। सिंगुलरिटी पॉइंट जब आपको दरियाफत हुआ, सिंगुलर पॉइंट है ये, उसका टेस्ट है। हम कहेंगे यहां पर द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, पहले क्या था ये सिंगुलर, अब आप देख रहे हैं क्या ये रेगुलर है या इरेगुलर है। याद रखिए पहले था ये सिंगुलर, मीनस आपने देखा कि एक्स इज इक्वल टू ए पे हमें एनालिटिक कैरेक्टर, डिफरेंशियबल कैरेक्टर वो सीज होता है फंक्शन का। आपको पता है कि डिफरेंशियबिलिटी कब फेल होती है, अगर डिफाइन नहीं है, अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड वो सारी चीज़ जो है, लेकिन किसी जगह आपको एक ही नज़र से पता चलता है कि भाई ये डिफरेंशियबल नहीं होगा इस पॉइंट पे, वही पॉइंट आपको पकड़ना है। ये पॉइंट क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट। फिर हम जाते हैं इस सिंगुलर पॉइंट का करेक्टर मालूम करने के लिए, इसका करेक्टर क्या होगा। जैसे कि आप देखते हैं लोअर क्लासेस में कंटिन्यूटी में कितने टाइप्स होते हैं, एक कंटिन्यूटी होता है रिमूवेबल कंटिन्यूटी, दूसरा कंटिन्यूटी होता है जो आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, कंटिन्यूटी ऑफ थर्ड काइंड, कंटिन्यूटी रिमूवेबल कंटिन्यूटी वगैरह जो आपने लोअर क्लासेस में किया है कंटिन्यूटी पे, या ऐसा ही यहाँ पर भी चलता है। आपने देखा कि रेगुलर सिंगुलरिटी जो है, द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इज सेड टू बी a regular singularity of differential equation first। मैं दोबारा बताता हूं, x is equal to a हमें पहले होना चाहिए singular point, फिर इसको कब हम कहेंगे इट इज नाउ ए रेगुलर सिंगुलरिटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, इफ एक्स माइनस ए पे हम टेस्ट करते हैं, इसका फैक्टर बनाते हैं एक्स माइनस ए इंटू पी ऑफ एक्स एंड याद रखिए यहां पे यहां है एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू दिस क्यू ऑफ एक्स, जो यहां पे आपके वेरिएबल फंक्शन है क्यू ऑफ एक्स, ये दोनों होने चाहे एनालिटिक, मतलब ये रिमूव होता है इसे इस फैक्टर, ये फैक्टर क्या करता है x माइनस ए से मल्टीप्लाई करता है पी एक्स को और x माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता है क्यू एक्स को, ये सिंगुलरिटी जो है ये फिर रिमूव होती है ऐसा करने से। अगर ऐसा है इज सेट टू बी, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट इज सेट टू बी रेगुलर सिंगुलरिटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट इफ x माइनस ए पी एक्स एंड x माइनस ए स्क्वायर क्यू एक्स और बोथ एनालिटिक एट x इज इक्वल टू ए। मैंने लिखा बोथ, ये भी होना चाहिए एनालिटिक, ये भी होना चाहिए एनालिटिक। अगर ये होगा एनालिटिक लेकिन ये नहीं होगा एनालिटिक, तब भी सिंगुलरिटी नहीं है रेगुलर। समझे आपको, इज सेट टू बी रेगुलर सिंगुलरिटी
इफ एक्स माइनस ए पी एक्स, इसको हमने मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस ए फैक्टर से, इसको किया एक्स माइनस ए होल स्क्वायर से, ये दोनों क्या बने एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन इट इज सेड टू बी व्हाट रेगुलर सिंगल. अगर अब इन दो में से एक या दोनों मतलब एनालिटिक नहीं है, फिर हम कहेंगे हमारी सिंगुलरिटी जो है वो इरेगुलर है. यहां लिखेंगे हम अदरवाइज, अदरवाइज द सिंगुलरिटी, द सिंगुलरिटी एक्स इज इक्वल टू ए इज इरेगुलर, इज इरेगुलर. अगर ये नहीं है, हमने क्या पे किया, यहां कंडीशन क्या बना, एनालिटिक है, एनालिटिक. अगर एनालिटिक है दोनों एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये एक्स इज इक्वल टू ए वाली सिंगुलरिटी जो है ये बना रेगुलर सिंगुलरिटी. अगर दोनों या दो में से एक नॉट एनालिटिक है, ये एनालिटिक नहीं है, आपका सिंगुलरिटी जो है वो बना देन अदरवाइज द सिंगुलरिटी एट एक्स इज इरेगुलर. ये समझा आपको, ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट. सिंगुलर पॉइंट के हमारे पास दो टाइप्स है, एक है रेगुलर सिंगुलरिटी, दूसरा है इरेगुलर सिंगुलरिटी. रेगुलर सिंगुलरिटी के वक्त क्या हम करते हैं, जो हमारा पास से एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज अ सिंगुलर पॉइंट, फिर हम इसको देते हैं मल्टीप्लाई एक्स माइनस अल्फा से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर से, फिर हम निकालते हैं इसका इसको कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट. अगर डिफरेंशियबल बना ये करने से, फिर एक्स इज इक्वल टू अल्फा बना रेगुलर सिंगुलरिटी. अगर इनमें से दो या दोनों, एक या दोनों डिफरेंशियबल नहीं है, एनालिटिक नहीं है, फिर वो सिंगुलरिटी क्या बनेगी, इरेगुलर सिंगुलरिटी. ठीक है, तो ये हमने दिया आपको वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको कोई एग्जामिनेशन में एमसीक्यू टाइप जो आपके पास होते हैं, वहां स्टूडेंट्स आमतौर पर अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, आपको वहाँ पर एमसीक्यूज में निकालना होता है भाई इसके कौन से पॉइंट्स है ऑर्डिनरी पॉइंट, इसके कौन से पॉइंट है रेगुलर सिंगुलरिटी, इरेगुलर सिंगुलरिटी. कोई डिफरेंशियल ऐसा होता है उसका हर एक पॉइंट होता है ऑर्डिनरी पॉइंट, नो सिंगुलरिटी पॉइंट. कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे होते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट भी होता है, रेगुलर सिंगुलरिटी भी होती है, इरेगुलर सिंगुलरिटी भी होती है. वो चीज़ निकालना है, वो हम इसी के मदद से निकालेंगे. अब मैं आपके साथ कुछ एप्लीकेशन शेयर करूँगा जो आप कर पाएंगे. तो ये मैं पहले भी बताऊँगा कि जो ऑर्डिनरी पॉइंट है वहाँ पर हम पावर सीरीज़ का उनके उसके नेबरहुड में भी पावर सीरीज सोल्यूशन निकाल सकते हैं. पावर सब अगर x इज इक्वल टू टू इसका है से ऑर्डिनरी पॉइंट, वी कैन फाइंड आउट द पावर सीरीज सॉल्यूशन इन पावर सब x माइनस टू. अगर इसमें रेगुलर सिंगुलरिटी है x इज इक्वल, वहां पे हम निकाल सकते हैं, लेकिन इरेगुलर सिंगुलरिटी में हम नहीं निकाल सकते हैं. तो जस्ट मैं आपके पास कुछ एग्जांपल्स यहां पे लेता हूं, हाउ टू फाइंड आउट दिस ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट. जस्ट वेट, हम कुछ यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस आपके साथ शेयर करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द सिंगुलर पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट. सिंगुलर पॉइंट अगर कोई होगा उसका हम टेस्ट करेंगे क्या ये रेगुलर सिंगुलरिटी है या इरेगुलर सिंगुलरिटी है. तो मैंने यहाँ पे सिट्रस दिया, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस मैंने लिया, क्योंकि हमारे पास जो काम है वो सेकंड ऑर्डर से ही है, लेजेंडर एंड बेसल्स. तो चलिए, मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन है, इट इज़ डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो. ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है. ये तो वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट है, इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखना है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट वन है. इसको हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो. ओके, यहाँ पे मुझे मिलता है पी ऑफ एक्स, हमें मिलता है व्हाट इज पी ऑफ एक्स, एक्स प्लस फाइव. व्हाट इज क्यू ऑफ एक्स,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। यहाँ ये फ्री ऑफ डिनोमिनेटर है, आप देख रहे हैं, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट डिग्री, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री। चूंकि हमने किया है लोअर क्लासेस में पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर, सिंस पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल्स, सो आर डिफरेंशियबल Differentiable everywhere, hence every point of differential equation first is an ordinary point. इसका हर एक point जो है ordinary point है, आप किसी के neighborhood में भी इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एवरी पॉइंट इज अ ऑर्डिनरी पॉइंट, मतलब यह है कि इट हैज नो सिंगुलर पॉइंट। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें कोई सिंगुलर पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। इसका क्या है, एवरी पॉइंट इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, याद रखिएगा किस टाइम निकलेगा, तो इसका हर एक पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट है। चलिए अब हम सेकेंड के सोल्यूशन पे जाते हैं। सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेरे पास है, इसका आपने देखा हर एक पॉइंट इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है, इसका कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं नजर आया। जस्ट लुक, अब हम ये सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे। यह है हमारे पास x माइनस टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। यह हम लिखेंगे राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम किस तरह बनाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट वी हैव डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री बाई एक्स माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर एक्स अपॉन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। ये बना अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जब हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, जब हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखिए हमें क्या मिल रहा है। फिर नाउ पी ऑफ एक्स जो आपको मिल रहा है, इट इज माइनस टाइम्स टू एक्स माइनस थ्री बाई एक्स माइनस टू, वट इज क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स इज फोर एक्स बाई एक्स माइनस टू। आप देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो है पी एक्स एंड क्यू एक्स, पी एक्स भी नॉट एनालिटिक है x इज इक्वल टू टू पे, क्योंकि जो हम x को देंगे 2 तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 बनेगा, ये अनडिफाइंड है, ये सिंगुलरिटी बनता है इसका, यहाँ भी 2 पे ये डिफाइंड है। अगर एक ही एनालिटिक नहीं है, दूसरा है, तब भी ये बनेगा सिंगुलर पॉइंट 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिंस p ऑफ x एंड q ऑफ x आर बोथ not analytic, these are not analytic at x is equal to 2, x is equal to 2 पे ये analytic नहीं है। अब हम क्या कहेंगे, every point is an ordinary point
एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू को हमने क्या अब लिया, इसमें निकाला सिंगुलर पॉइंट. सो दिस इंप्लाइज एवरी पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, एवरी पॉइंट इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, या इस तरह भी हम देखेंगे, दिस इंप्लाइज एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू टू एवरी पॉइंट इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट. अब ये हुआ एक्स इज इक्वल टू टू, क्या आपको मिला, दिस इज सिंगुलर पॉइंट. ये मैंने आपको x इज इक्वल टू टू सिंगुलर पॉइंट, बिकॉज एट x इज इक्वल टू टू द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये px एंड qx जो है इट सीजेस टू बी व्हाट, एनालिटिक, इट इज नॉट एनालिटिक एट x इज इक्वल टू टू. तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, तो अब हम देखेंगे इसका करेक्टर, क्या ये रेगुलर सिंगुलरिटी है या इरेगुलर सिंगुलरिटी है, वो आप देखेंगे कैसे, वो मैंने बताया आपको. यहां पे हम निकालेंगे आप व्हाट इज नाउ, अब हम यहां पे टेस्ट करते हैं, टेस्ट सिंगुलरिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू, यानी कि इसका टाइप हम देखेंगे, ये किस टाइप का सिंगुलरिटी है. टेस्ट का मतलब यही है, टाइप, इज इट रेगुलर सिंगुलरिटी और इरेगुलर. उसके बाद उसके लिए क्या हम लेते हैं, वी टेक एक्स माइनस टू p ऑफ x, जो p ऑफ x आपने निकाला उसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस टू से. यहां क्या हमें मिला, इट इज माइनस टाइम्स टू एक्स माइनस थ्री. ओके, यहां हम निकालेंगे x माइनस टू का स्क्वायर q ऑफ x, q x मेरे पास ये है x, एक x माइनस टू चला जाएगा, दिस इज फोर एक्स इंटू एक्स माइनस टू, डिनोमिनेटर तो यहां फ्री है, ये भी है यहां पे एनालिटिक एट x इज इक्वल टू टू डिफरेंशियबल, ये भी है एनालिटिक एट x इज इक्वल टू टू, बोथ आर एनालिटिक, बोथ आर नाउ एनालिटिक एट x इज इक्वल टू टू. पहले क्या था x सिंगुलरिटी, लेकिन जब हमने x माइनस टू से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों क्या बने, एनालिटिक एट x इज इक्वल टू टू, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू टू जो है इज ए रेगुलर, इट इज ए रेगुलर सिंगुलरिटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट. ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट जो है इसका रेगुलर सिंगुलरिटी बना. आपने देखा, अब आपको अगर MCQs होगा आप कहेंगे हर एक पॉइंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट, लेकिन x इज इक्वल टू टू जो है दैट इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. इट वॉज दिस पार्ट, ये मैंने आपके साथ शेयर किया, ये किया, तो और भी मैं ये उसका दूसरा सोल्यूशन का भी बताता हूँ, ये आप करेंगे. यहाँ अब हम आपके साथ नेक्स्ट एप्लीकेशन शेयर करेंगे, जहाँ हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स एक्स माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसका हम पहले हम लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है, इट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर, इट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस एट टाइम्स एक्स प्लस फाइव बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर, एक्स माइनस टू का स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो. जब आप ये कंपेयर करेंगे बाई कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी टाइम्स पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू, इट इज अ वेरिएबल कोएफिशिएंट, q
क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास यहां पर पी एक्स जो मिल रहा है, दिस इंप्लाइज आवर पी ऑफ एक्स इज थ्री टाइम्स एक्स माइनस टू बाय एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू स्क्वायर। व्हाट इज क्यू ऑफ एक्स? क्यू ऑफ एक्स इज ए टाइम्स एक्स प्लस फाइव बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू स्क्वायर। सबसे पहले हमें क्या लेना है? पी एक्स एंड क्यू एक्स। अब देखना है कि ये कहाँ पे सीज हो रहा है टू बी डिफरेंशियबल, वायर इट इज नॉट एनालिटिक। यहाँ पे देखिए एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये भी डिफाइन नहीं है, ये भी डिफाइन है। एक्स इज इक्वल टू टू पे भी ये, यानी कि हम देखते हैं डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ जीरो बनता है इस वक्त। तो यहाँ पे ये भी एक्स इज इक्वल टू जीरो पे नॉट एनालिटिक, एक्स इज इक्वल टू टू पे नॉट एनालिटिक। हेयर बोथ, हेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर नॉट एनालिटिक एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू टू। एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू टू पे ये नॉट एनालिटिक है। दिस इंप्लाइज एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू टू, इसके बगैर ऑल अदर पॉइंट्स पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट आर ऑर्डिनरी पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स अदर देन जीरो एंड टू जो है ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं, लेकिन x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू टू आर नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट्स। हमने यहाँ पे इसको एक्सेप्शन की, इसके बगैर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू टू ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट आर ऑर्डिनरी पॉइंट्स। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू जीरो x इज इक्वल टू टू। अब क्या बनाइए? दीज आर सिंगुलर पॉइंट्स। अब इसका हमें करैक्टर मालूम करना है, क्या ये रेगुलर सिंगुलरिटी है या इरेगुलर सिंगुलरिटी। लेट अस सी, लेट अस सी। मैं पी एक्स इसी तरह रखता हूँ, लेट अस सी व्हाट हैपन्स। यहीं से हम देखते हैं, अब हम करते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है ये हमारे पास सिंगुलर पॉइंट तो है, इसका हम देखते हैं इसका टाइप हम दरियाफत करेंगे, इसका टाइप कौन सा है। शाबाश, कैसे हम देखते हैं? जो हमने बताया फॉर्मूला x इज इक्वल टू जीरो हमें देना है, यह हम लिखेंगे यहाँ पे x इंटू पी ऑफ x क्या बनता है? थ्री टाइम्स x माइनस टू बाय x, एक कट जाएगा x माइनस टू का स्क्वायर, यहाँ पे लेना है x स्क्वायर q ऑफ x इज इक्वल टू एट एक्स प्लस फाइव बाई एक्स माइनस टू का स्क्वायर। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आप लिखेंगे x p ऑफ x नॉट एनालिटिक एट x इज इक्वल टू जीरो, इनके x तो नीचे आ रहा है, हाँ x स्क्वायर q ऑफ x, यहाँ तो x नीचे नहीं है, एनालिटिक, इट इज एनालिटिक, एनालिटिक एट x इज इक्वल टू जीरो। ये है एनालिटिक, ये नहीं है, लेकिन दोनों होने चाहिए। इसको इसलिए हम क्या कहेंगे? x इज इक्वल टू जीरो जो है ये बनता है इसका इररेगुलर सिंगुलरिटी। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू जीरो इज इररेगुलर, इट इज इररेगुलर सिंगुलरिटी। ये बना इसका टेस्ट हमने किया x इज इक्वल टू जीरो का, क्या ये रेगुलर है या इरेगुलर है, ये बना हमें इरेगुलर सिंगुलरिटी, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे x p x का एनालिटिक होना सीज हो गया है। चलिए हम देते हैं x इज इक्वल टू टू पे हम, क्योंकि x इज इक्वल टू टू भी हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है, ये भी हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है, इसका भी हम देखेंगे क्या हो रहा है। अब हम जाते हैं
एक्स इज इक्वल टू टू पे, एक्स इज इक्वल टू टू पे हम टेस्ट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू टू, उसके लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ एक्स माइनस टू इंटू पी ऑफ एक्स, क्या आता है एक्स माइनस टू पी ऑफ एक्स, देखिए क्या आता है, इट इज़ योर थ्री टाइम्स एक्स मन थ्री बाय एक्स स्क्वायर आएगा ये, ओके यहाँ लेंगे एक्स माइनस टू का स्क्वायर लेना है क्यू ऑफ एक्स, जो डिफिनेशन में हमने दिया, क्या आता है ए टाइम्स एक्स प्लस फाइव बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स माइनस टू यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ ऑलरेडी एक था यहाँ पे, ये आएगा आपको एक्स माइनस थ्री बाय एक्स स्क्वायर, ये भी एनालिटिक मीन्स डिफाइंड है एट एक्स इज इक्वल टू टू, ये भी है एनालिटिक, है ना, बोथ बोथ एक्स माइनस टू पी ऑफ एक्स एंड एक्स माइनस टू स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स आर व्हाट आर एनालिटिक, दीज आर एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू टू, एनालिटिक है एक्स इज इक्वल टू, लेकिन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, इट वॉज सिंगुलर, लेकिन ये करने से ये फैक्टर यहाँ से मल्टीप्लाई करने, इसका स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई करने से हमें सिंगुलरिटी यहाँ पे रिमूव हो जाती है, सो वी से दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू टू इज ए रेगुलर, इट इज अ रेगुलर सिंगुलरिटी, रेगुलर। अब आपके जवाब में क्या होगा, अगर एम सी क्यूज में आप देखेंगे, एम सी क्यूज में आप लिखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे पॉइंट जो है वो है ऑर्डिनरी, हर एक पॉइंट पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी पॉइंट है इसका हर एक पॉइंट, अदर पॉइंट्स ऑल अदर पॉइंट्स आर ऑर्डिनरी पॉइंट्स, एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या है इसका इरेगुलर सिंगुलरिटी, एक्स इज इक्वल टू टू क्या है इट इज़ अ रेगुलर सिंगुलरिटी, तो समझाए किस तरह हम निकालते हैं, तो ये हमने किया था ये भी। चलिए एक और प्रॉब्लम हम आपके साथ शेयर करेंगे, इट इज़ अ फोर्थ वन, हाँ यहाँ पे हमने, यहाँ पे आपके साथ फोर्थ हमने लिखा, ये फोर्थ वन है, मैं ये पढ़ूंगा अगर ये विजिबल, x माइनस वन है, x प्लस टू है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो है, आपको इसका निकालना है ऑर्डिनरी पॉइंट कौन कौन है, इसका सिंगुलर पॉइंट कौन है, या फिर इसका रेगुलर या इरेगुलर, ये मैं रीराइट कर सकता हूँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, इट इज डी वाई बाई डी एक्स देन प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, इट इज वाई इक्वल टू जीरो, ये आपका बना स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। चलिए देखिए आप, आपका पी ऑफ एक्स जो यहाँ पे है इट इज एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, और यहाँ पे देखिए आपका क्यू ऑफ एक्स जो है इट इज एक्स बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, ओके दिस इज योर पी ऑफ एक्स, दिस इज योर क्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे देखिए ये भी नहीं है डिफरेंशियबल या एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू वन या एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, इसको भी ऐसा ही होता है, अगर दोनों जगह है दो में से एक जगह नॉट एनालिटिक है, इसलिए ये पॉइंट हमें निकालने हैं, ये ऑर्डिनरी पॉइंट्स नहीं है इसके, ये सिंगुलर पॉइंट्स बनते हैं, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स और नॉट एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, क्योंकि यहाँ दीजिए एक्स वन तो डिनोमीटर जीरो, यहाँ दीजिए एक्स वन, यहाँ दीजिए एक्स माइनस टू डिनोमीटर जीरो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ऑल अदर पॉइंट्स और ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट एक्सक्लूडिंग व्हाट वन एंड माइनस टू, हर एक पॉइंट इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है लेकिन वन एंड माइनस टू इसका ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है,
ये इसका क्या बनता है, इन अदर वर्ड्स सिंगुलर। अब हम देखेंगे कौन सा सिंगुलरिटी ये है, वन एंड माइनस टू। लेट अस सी ये कौन सा सिंगुलरिटी बनता है, आप देखिए वो कैसे हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, हाँ यहाँ हम देखते हैं, नाउ ये हम देखते हैं एक्स इज इक्वल टू वन का टाइप, एक्स इज इक्वल टू वन आपका ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। अब हम जा रहे हैं क्या ये रेगुलर सिंगुलरिटी में आता है या इरेगुलर में, उस वक्त हम देखते हैं यहाँ पे इसके फैक्टर बनाते हैं एक्स माइनस वन पी ऑफ एक्स, ये आता है हमें एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस टू, ये आप देखिए ये आपका है एक्स माइनस वन का स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स, ये हमें आएगा एक्स माइनस वन एक बार कट जाएगा एक्स बाय एक्स प्लस टू। नोट दैट हम किसका टेस्ट करते हैं, एक्स इक्वल टू वन का, ये भी है डिफरेंशियबल या एनालिटिक है एक्स वन, ये भी है क्योंकि यहाँ डिनोमीटर में गायब हुआ ना एक्स माइनस वन, सो बोथ आर एनालिटिक analytic at x is equal to 1. So this implies x is equal to 1 is what? It is regular singularity. x is equal to 1 इसका है regular singularity. अब है दूसरा x is equal to minus 2 भी देखेंगे वो क्या बनता है, x is equal to minus 2 का टेस्ट करेंगे, चले जब हम जाते हैं x इज इक्वल टू माइनस टू से, अब माइनस टू यहां लेते हैं इसका फैक्टर x प्लस टू पी ऑफ x, इट इज x स्क्वायर बाय x माइनस वन, यहां आएगा x प्लस टू का स्क्वायर q ऑफ x, दिस इज x इंटू एक्स प्लस टू एक कट जाएगा बाय x माइनस वन, ठीक है। यहाँ भी नहीं रहा आपको डिनोमीटर में x प्लस टू, जब हमने मल्टीप्लाई किया x प्लस टू, यहाँ x प्लस टू स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पे भी हम देखते हैं x प्लस टू पी ऑफ x एंड x प्लस टू होल स्क्वायर q ऑफ x, ये देखिए q ऑफ x और बोथ एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इज रेगुलर सिंगुलरिटी। अब आप क्या याद रखेंगे, इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें बना एक्स वन एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू दोनों वट रेगुलर सिंगुलरिटी, ये भी है रेगुलर सिंगुलरिटी वो भी है रेगुलर सिंगुलरिटी, तो ये आपने देखा कैसे हम निकालते हैं ये रेगुलर एंड इरेगुलर सिंगुलरिटी। मैं आपको आपके एक एग्जांपल दूंगा वो आप खुद करेंगे, या आप कीजिए आप ये वाला, ये आप टेस्ट कीजिए, टेस्ट इट इज एक्स इंटू एक्स प्लस वन स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 16 एक्स क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको कीजिए आप, इसमें निकालिए आप, इसमें आप देखिए यहाँ पे अगर मैं नज़र से ही देखूंगा x इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन जो इसका बनता है वो है इसका सिंगुलर पॉइंट, ये इसका हर एक पॉइंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बनेगा ऑर्डिनरी पॉइंट एक्सेप्ट x ज़ीरो एंड x इज इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे पी एक्स आएगा x इंटू एक्स प्लस वन स्क्वायर यह आएगा दिस, तो आप देखेंगे फिर x इज इक्वल टू ज़ीरो जो है वो क्या रेगुलर सिंगुलरिटी है या इरेगुलर सिंगुलरिटी, इसी तरह x प्लस x इज इक्वल टू माइनस वन जो है वो क्या है। आई होप
In this lecture, we have discussed with you what are the ordinary points, how to determine the ordinary points of a second order differential equation with variable coefficients. If a point is not ordinary, agar ye singular point hai, uska test hum kaise karte hai, regular singularity ke liye aur irregular singularity ke liye. This is very important. To kyunki ye bhi hame kaam aata hai power series solution mein. तो ये आप करेंगे ये क्वेश्चंस और आगे हम और आपके साथ कुछ ये पावर सीरीज पे ये करेंगे क्वेश्चंस शेयर, फिर उसके बाद हमारा कारवान चलेगा सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज़ वेरी मेन थिंग इसमें. तो जो हम आगे करने वाले हैं उसमें हमें करना है रेकरेंस फॉर्मूली, उसमें करना है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो गया. थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन आई विश यू गुड डे. थैंक यू वेरी मच.